बायो पायरेसी, जैसे कैसे कोई मूवी रिलीज होने के पहले कहते हैं ये पायरेटेड डीवीडी है, उसी दिन अगर आपको कोई उसकी सीडी बेच दे मार्केट में खड़ा हो, तो ऑब्वियस है कि उसके बिजनेस के ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पायरेसी का मतलब तो आप जानते ही। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। बहुत सारी एमएनसीज करती हैं गवर्नमेंट के बिना, क्या करती है, किसी बायो रिसोर्स का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बना के धड़ाधड़ बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ना तो उन्होंने पेटेंट कराया है, ना उन्होंने लीगल अथॉरिटी ली है, और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट इज बायो पायरेसी। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। हमारे भारत में तो खैर मेन अगर बोला जाए कि जो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना, भाई क्या खाना है, चावल दाल सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, बोल भी रहे आप। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। आज के डेट में तो 5 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस का नाम आपने सुना है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और अरोमा के लिए फेमस है ये। अगर बासमती राइस बनता है ना घर में, दूर से ही पता चलता है। इट्स डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस होता है, लिख ही दिया यहाँ पे, एंड फ्लेवर, एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। देर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, बहुत सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, बहुत पुराने ऐसे टेक्स्ट हैं जहां पे आपको बासमती का जो है वो जिक्र मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लिख रहा भी है, ओके, एंड पोएट्री एज इट हैज बिन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। इन 1997, 1997 में एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑफ बासमती राइस। आप लोग गुस्सा नहीं होंगे कि भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम धूप में जल रहे हैं, और पेटेंट कौन लेके जा रहा है, तो अमेरिकन कंपनी लेके जा रहा है थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रोड। द न्यू वराइटीज ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बिन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वराइटीज, लिख दिया गया ना। कहाँ से इसको डिराइव किया गया, तो भाई इंडियन फार्मर्स वराइटीज में से एक आध दो ऐसे छिटपुट उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, बोले लो हमने नया बना दिया। लेकिन वो कहाँ से लेके गए, तो इंडियन फार्मर ने जो वराइटी तैयार किया था उसी से। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉट वराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंस इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। तो ये तो गलत हो गया, बोला कि भाई बस हम ही बेचेंगे और कोई इसको सेल नहीं कर सकता है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव ऑल्सो बिन मेड टू पेटेंट यूजर्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन एज फॉर एग्जाम्पल टर्मेरिक नीम, तुलसी है, टर्मेरिक है, नीम है, इन सब की कितने ज्यादा यूजर्स हैं। कोई डायरी पे लिखने बैठे ना, उसकी डायरी खत्म हो जाएगी, इसका यूज खत्म नहीं। इफ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डोंट इमिडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन, अगर कोई ऐसे ही करता रहा बैठा बैठा, तो पता चला कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और सारा पेटेंट राइट जो है वो कोई और लेके चला जाएगा। आपकी मेहनत होगी, सब कुछ आपका होगा, बट आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, तो कैसा लगेगा फिर। तो ये क्या है, बायो पायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर लीगल ऑथोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विदाउट प्रॉपर लीगल ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अगर आपका फॉर्मूला या आपकी कोई चीज कोई यूज कर रहा है, तो आप उसको बोलिएगा ना कि भाई ऐसा है, तुम यूज कर रहे हो तो पैसे तो दो इसके, है ना। जैसे कैसे जो सिंगर होते हैं उनके सॉन्ग की उनको रॉयल्टी जाती है ना, हमेशा के लिए, जब तक वो चलता रहेगा तब तक।